हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं अमित शर्मा और हम SMG सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वापस जुड़ चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए जो आपकी प्रवेश परीक्षा है उसमें मैथ के सिलेबस को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते चल रहे हैं। चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं और नया चैप्टर आपके सामने आ रहा है। लगातार आपको डेली क्लासेज मिल रही होंगी और हमारे द्वारा पढ़ाया गया सारा मैटर आपको समझ में आ रहा होगा। और हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा LCM एंड HCF चल रहा था। बेसिक पोर्शन करने के बाद में आज हम LCM और HCF चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में पूरा रिवीजन एक साथ कर लेंगे बेटा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। चलिए बेटा देखो, हम LCM और HCF का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आज हमारे पास जो एक पोर्शन बाकी रह जाता है और उस पोर्शन का नाम है बेटा सेक्शन यानी भिन्न का LCM और HCF। हालांकि आपके सिलेबस में भिन्न नाम का एक टॉपिक अलग से ऐड किया हुआ है, यानी टॉपिक है भिन्न जो आपके सिलेबस में अलग से ऐड किया हुआ कि नहीं। बिल्कुल, आप जब सिलेबस देखोगे, मैथ का सिलेबस जब निकालोगे उसमें भिन्न नाम का टॉपिक ऐड किया हुआ है। हालांकि भिन्न की पूरी डिटेल हम उस टॉपिक में ही करेंगे, लेकिन जब LCM और HCF का चैप्टर चल रहा है तो हम भिन्न के LCM और HCF को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। देखो पहले नॉर्मल हम देख लेते हैं भिन्न होती क्या है। भिन्न होती है बेटा बट्टा वाली संख्या, यानी जिन्हें अंश व हर के रूप में लिखा जाता है वही भिन्न होती है। देखिए जैसे 2/3, ये भिन्न है, ये भिन्न है। ऐसे आपको जिस तरीके से हमने नंबर देखे थे, जैसे 12, 16, 15, इनका LCM देखा था, इस तरीके से आपको कई भिन्ने दे देंगे और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका LCM क्या होगा, इसका HCF क्या होगा। भिन्न होती क्या है, देखिए जिन्हें अंश व हर के रूप में लिखा जाए, जिन्हें अंश व हर के रूप में लिखा जाए। सर अंश क्या होता है, जो बेटा ऊपर लिखा हुआ है अंश है और नीचे लिखा हुआ है उसे हर कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो। परिमेय संख्या में वैसे हमने देखा था, अंश/p/q फॉर्म में, अंश/हर रूप में देखा था कि नहीं देखा था। ठीक है, इतनी चीज आपकी क्लियर है। इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं बेटा, डिनोमिनेटर। क्लियर है क्या। अभी तक केवल मैंने फ्रैक्शन को बताया है कि फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न होता क्या है, यानी भिन्न होती क्या है। भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में लिखना, भिन्न कहलाती है। और अंश बटा हर का मतलब क्या है बेटा, अंश जो ऊपर लिखा हुआ है वो अंश है। क्या है सर, ये अंश है। नीचे लिखा हुआ है ये क्या है सर, ये हर। क्लियर है क्या। ठीक है बेटा, अब चलिए, अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए अंश और हर का LCM और HCF का क्या फॉर्मूला होता है और कैसे निकलता है और क्या इसके मेथड्स रहते हैं। देखिए बेटा, हम देखते हैं, पहले डिस्कस उसी हिसाब से करेंगे जैसे पहले LCM पढ़ा था, उसके बाद में HCF को पढ़ा था। आज भी भिन्न का पहले LCM देखेंगे और उसके बाद में HCF को देखेंगे। ठीक है बेटा, देखो भिन्न का LCM, देखिए बेटा भिन्न का LCM निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला नहीं है बेटा, पर वैसे इसको देखें तो फॉर्मूला के फॉर्म में हम देख सकते हैं। देखिए जब आपको भिन्न का LCM का पूछे तो आपको करना क्या है, देखिए जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2/3, 5/6 और 4/9, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि इसका LCM क्या होता है। क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है इसका LCM क्या होता है। देखिए LCM का बात करें तो आपको क्या करना है, यानी LCM पूछे तो ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, अंश का LCM और बटा करना है, अपॉन में करना है हर का HCF। सर ये फॉर्मूला क्या है, देखिए अंश कौन सा है सर, ये अंश है कि नहीं है भाई, न्यूमिरेटर है कि नहीं है सर, न्यूमिरेटर है, ये अंश है। और नीचे वाला क्या है बेटा, नीचे वाला पोर्शन आपका रहता है हर का,
नीचे वाला पोर्शन आपका रहता है हर का, रहता है कि नहीं रहता। अब हमें करना क्या है, हमें अंश का तो लेना है क्या सर, एलसीएम लेना है, और हर का क्या लेना है, हर का हमें लेना है एचसीएफ। ठीक है, ले लेंगे। सर ये फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, जब बेटा आपको एलसीएम निकालना हो, पूछ क्या रहा है सर एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम को ऊपर रखेंगे, और जब एचसीएफ वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, जब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को ऊपर रख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या। देखो ये फॉर्मूला आपके पहले क्लियर हो जाना चाहिए, माइंड में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इस एग्जांपल को बाद में लेंगे, अभी करेंगे सॉल्यूशन, लेकिन पहले आप इस फॉर्मूले की तरफ ध्यान से देखिए, ध्यान लगा के सुनिए। हमें पूछ रहा है बिन का एलसीएम, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, सर पूछ रहा है। और हम एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, जब एलसीएम निकालना है तो अंश का तो एलसीएम निकलेगा, और हर का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो अपने को निकालना है वो हमेशा ऊपर रहेगा, और ऊपर रहता है अंश, और अंश का एलसीएम, और नीचे रहता है हर, तो हर का एचसीएफ। यानी न्यूमरेटर का तो आपको एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है, जब फाइंड कर रहे हैं हम किसका, फ्रैक्शन का एलसीएम। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल था 2/3, 5/6 और 4/9 का एलसीएम। अब एलसीएम चाहिए अपने को, एलसीएम हमें चाहिए, चाहिए ठीक है, एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, वो ही चीज़ है, ऊपर यानी अंश का हमें एलसीएम लेना है। यानी देखिए 2, 5, 4 का एलसीएम, क्लियर है सर, क्लियर है, और 3, 6, 9 का एचसीएफ। यही तो बात फॉर्मूले में लिखी थी बेटा, देखो फॉर्मूले में क्या लिखा था, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। देखिए और हम क्या कर रहे हैं, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यही फॉर्मूला था ठीक है। और अब वो क्वेश्चन बन गए कि नहीं बन गए, जो हमने जब टॉपिक की शुरुआत की थी और बेसिक में हमने ये किया था कि नहीं किया था। देखो हमें चाहिए 2, 5 और 4 का एलसीएम, चाहिए कि नहीं चाहिए, सर चाहिए। डिवाइड करो, एलसीएम में कौन सा मेथड परफेक्ट बताया था मैंने, कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में सभी को कटघरे में लेते हैं, और 1, 5, 1 और 5 कितना आएगा सर, इसका एलसीएम तो आ गया 20, यानी अपने पास क्या आ गया, अंश का एलसीएम तो आ गया 20। अब बात आ रही है हर के एचसीएफ की, यानी डिनोमिनेटर के एचसीएफ की, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ देखिए बेटा क्या होता है, हमने किया था कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, 3 से जाएगा सर 1 आएगा, सर 6 में देखिए पहले 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा, और 9 में देखिए 3 से जाएगा 3, 3 और 1, कॉमन क्या रहा है बेटा, कॉमन क्या है, कॉमन ही देखते हैं एचसीएफ में, हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या निकल रहा है, यानी एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं बेटा, कॉमन देखते हैं, किसके कॉमन सर, फैक्टर्स के कॉमन देखते हैं, और वो भी हाईएस्ट फैक्टर के कॉमन होते हैं वो ही देखते हैं। 3 इसमें है, इसमें है और इसमें है, और कोई कॉमन निकल रहा है क्या सर, और कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसका ये आंसर आएगा, यानी आपको जो दिया है, आपको क्या दिया है सर, हमें दिया है 2/3, 5/6 और 4/9 का एलसीएम निकालना है। क्या हमें 2/3 और 5/6 और 4/9 का एलसीएम निकालना है, निकालना है। ऊपर वाले का तो एलसीएम निकाला, ये देखो बेटा इधर निकाल के दिखा दिया, ये एलसीएम है। नीचे वाले का एचसीएफ निकाला सर फैक्टराइजेशन मेथड से, ये निकाल के दिखा दिया, क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है। और निकाल के ये आंसर अपने पास निकल के आता है, और यही आंसर है, समझ पा रहे हो क्या, मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए दोबारा सुनिए, हमें कोई भी भिन्न दे दे, ये तो हमने एग्जांपल समझने के लिए लिया है, कोई भी हमें भिन्न दे दे और हमें पूछे एलसीएम बताइए, पूछ लिया सर, पूछ लिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम का पूछ रहा है, तो ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा, ऊपर हमेशा क्या रहता है, न्यूमेरेटर रहता है, और नीचे क्या रहता है सर, डिनोमिनेटर रहता है, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, और करने के बाद में आपको ये समझा दिया है पूरा, करने के बाद में आपके पास ये आंसर निकल के आता है, और इसका एलसीएम आएगा, यही आपका आंसर है, समझ पा रहे हो क्या, अरे समझ पा रहे हो क्या। देखो बेटा अब एक चीज़ और देखिए, अब आता है हमारे पास भिन्न का एचसीएफ। अगर एलसीएम समझ पा रहे हो
एचसीएफ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, अगर वो समझ गए तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, इसमें क्या करना है, हमें चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए बेटा? एचसीएफ चाहिए सर, चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है, जो हमें चाहिए वो ऊपर रहेगा और ऊपर रहता है अंश, तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, एलसीएम यही बात है। तो देखिए, यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एचसीएफ, है कि नहीं सर, हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ में यानी न्यूमेरेटर का तो हमारे पास क्या होगा, न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर का तो हमारे पास एचसीएफ होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम होना चाहिए। और वही एग्जांपल लेते हैं बेटा, लास्ट एग्जांपल क्या था, 2/3, 5/6 और 4/9, एक एग्जांपल यही समझते हैं। देखिए इसको इस तरीके से और लिख लेना, न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का आपको चाहिए क्या, एलसीएम। जो चीज अपने से पूछ रहा है वो हमेशा ऊपर रहेगी, ऊपर कौन सी चीज रहेगी, वही चीज रहेगी जो हमसे पूछ रहा है। हमें एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ को ऊपर रखना है बेटा, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो फॉर्मूलों में हम क्या कर रहे हैं बेटा, एलसीएम को ऊपर रख रहे हैं। इतनी चीज पकड़ जाओगे ना तो कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहीं से कंसेप्ट क्लियर होता है बेटा। देखिए देखिए हमारे पास वही एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है, 2/3, 5/6 और 4/9 है कि नहीं, है सर। और हमें चाहिए एच सी एफ, क्या ये भिन्न है, सर ये भिन्न है और हमें भिन्न का फॉर्मूला पता है। अगर हमें एच सी एफ पूछ रहा है या एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर हमेशा जो पूछ रहा है वो होगा और नीचे उसका अपोजिट होगा। देखिए ऊपर क्या है, यानी हमें पूछ रहा है एच सी एफ, तो हम करेंगे 2, 5, 4 का एच सी एफ, एच सी एफ। और नीचे देखिए 3, 6 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम। क्लियर है क्या, 3, 6, 9 का तो करेंगे एलसीएम और 2, 5, 4 का करेंगे एचसीएफ, क्योंकि पूछ क्या रहा है सर, एचसीएफ पूछ रहा है और जो पूछ रहा है वो ऊपर, ऊपर रहता है हमेशा अंश यानी न्यूमेरेटर और नीचे रहता है डिनोमिनेटर यानी हर, तो हर का तो करेंगे एलसीएम और अंश का करेंगे एचसीएफ। ठीक है मेरे बेटे, ठीक है। अब देखो, अब देखो हमारे पास क्या है, 2, 5, 4 यानी 2, ये 5 और ये 4। देखो बेटा 2 पे 1, 5 पे 1 और 2 पे हमने एच सी एफ निकाल लिया। और कौन से मेथड यूज किया है, कौन सा मेथड, आपको मेथड क्लिक होना चाहिए माइंड में, अगर मेथड क्लिक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने लास्ट क्लास को ध्यान से नहीं पढ़ा है बेटा, ठीक है। देखिए मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं कि नहीं करते, मैंने कहा था एच सी एफ के लिए, एच सी एफ के लिए हमारे पास दी बेस्ट मेथड कौन सा, सर फैक्टराइजेशन मेथड। और एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए हमारे पास दी बेस्ट मेथड कौन सा, सर डिवीजन मेथड, है कि नहीं। देखिए बेटा कोई कॉमन आ रहा है क्या, सर देखते हैं तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं कॉमन नहीं आ रहा सर, इसमें तो फिर कॉमन की कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब जिसमें कुछ कॉमन नहीं आए वहाँ एच सी एफ कितना, सर 1, वहाँ एच सी एफ कितना, 1, क्योंकि 1 तो कॉमन आ रहा है। देखो बेटा 1 क्यों लेते हैं, ये देखो 1 कॉमन आ रहा है इसलिए लेते हैं, इसलिए लेते हैं, समझे, ठीक है। सर हमारे पास एच सी एफ तो आ गया, 3, 6, 9 का हमें एलसीएम भी चाहिए। सर एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सर डिवीजन मेथड, दी बेस्ट मेथड डिवीजन मेथड, है कि नहीं, है सर। कैटेगरी में लाने हैं सभी को, 2 से डिवाइड करना है, पहले चेक करना है 2 से हो रहा है कि नहीं, सर 2 से हो रहा है। फिर देखिए 3 से, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं कि नहीं करते, डिवीजन मेथड हो या फैक्टराइजेशन मेथड हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं और एक सीक्वेंस में यानी असेंडिंग ऑर्डर में या क्रम से करते हैं, ठीक है सर। 1, 1, 3 और 3 हो गया कि नहीं हो गया, सर हो गया। और हमारे पास लास्ट में 1, 1, 1 आना चाहिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 18, 3 × 3 × 2, है कि नहीं सर, 18 आ रहा है। और यही आपका, यही आपका बेटा आंसर होने वाला है, समझ पा रहे हो। देखिए बेटा साथ साथ में एक बार रिवाइज कर लीजिए, साथ साथ में रिवाइज कर लीजिए, फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह जाते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ लास्ट में। हमने टॉपिक की शुरुआत की थी बेटा, और टॉपिक की शुरुआत की थी किससे, भिन्न से। हमें चाहिए सर भिन्न, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्न होती क्या है, भिन्न मैंने बता दी, जिसे बटा के रूप में लिखा जाता है यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, ऊपर न्यूमेरेटर और नीचे डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है, वही आपकी भिन्न होती है। अब हमें चाहिए भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ।
अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, विन का एलसीएम चाहिए, जिस चीज का जिस चीज को हमें ज्ञात करना है, हमें ऊपर एलसीएम चाहिए, फाइंड कर रहे हैं एलसीएम, तो ऊपर आएगा फॉर्मूला में एलसीएम, आएगा कि नहीं आएगा? अगर एचसीएफ फाइंड करेंगे तो ऊपर आएगा एचसीएफ, और ऊपर होता क्या है सर, ऊपर तो अंश होता है, न्यूमिरेटर होता है, तो न्यूमिरेटर का तो एलसीएम करना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ करना है, क्लियर है? फिर हमने एक बढ़िया सा गजब सा एक एग्जांपल लिया था, जिसको करने के बाद में हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। कौन सा एग्जाम्पल था सर? 2/3, 5/6 और 4/9 का हमें फाइंड करना है एलसीएम, यानी ऊपर वाले का तो करना है एलसीएम और नीचे वाले हर का करना है हमें एचसीएफ, और मैंने आपको करके भी दिखा दिया, और मैंने बताया था एलसीएम के लिए आप कौन सी मेथड यूज करोगे सर? हम करेंगे डिवीजन मेथड, और एचसीएफ के लिए दी बेस्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। हालांकि मेथड तो हमने दो दो तीन तीन किए थे, ट्रिकी मेथड भी किया था, लेकिन आपको क्या करना है, कंफ्यूज ना हो इसके लिए आपको केवल एक ही मेथड को काम में लेना है। अगर हर क्वेश्चन में आप मेथड बदलते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, ठीक है? और ऐसा करना नहीं है, क्योंकि मैथ एक शानदार सब्जेक्ट है, उसके साथ चलना है, उसके हिसाब से चलना है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके हिसाब से, अदर दिमाग लगाना नहीं है। और अदर आप कोई एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाओगे तो आप आंसर से दूर हो जाओगे बेटा, ये बात ध्यान रख लेना। अब देखिए, हमें कह रहा है बिन का एचसीएफ, हमें फाइंड क्या करना है सर? हमें एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ चाहिए तो ऊपर क्या आएगा सर? एचसीएफ आएगा, ऊपर रहता है हमेशा न्यूमिरेटर, नीचे रहता है सर डिनोमिनेटर, नीचे रहता है डिनोमिनेटर, ऊपर जो फाइंड करना है वो ऊपर आएगा यानी एचसीएफ आएगा, ऊपर नीचे आएगा एलसीएम, और इसी पे हमने कर लिया था ये एक शानदार सा क्वेश्चन, समझ पा रहे हो? अब देखिए बेटा, अब हमारे पास एक रूल निकल के आता है, इस रूल को ध्यान से समझना, रूल, ये रूल क्या कह रहा है, रूल ये नियम क्या कहना चाह रहा है, देखिए बेटा ये नियम क्या कह रहा है, देखिए बेटा ध्यान से देखना है, ये नियम कह रहा है यदि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणा या मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, उनके एलसीएम और एंड एचसीएफ के मल्टीप्लाई के, यानी ये क्या कह रहा है, हमें कह रहा है जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे और जिन दो संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों का आपस में गुणा या मल्टीप्लाई उस संख्या के इक्वल होगा, समझ पा रहे हो, उस संख्या के इक्वल होगा। देखिए कैसे, इसको पहले लैंग्वेज में लिखिए, लैंग्वेज में लिखिए बेटा, लैंग्वेज क्या है, दो संख्याओं के, संख्याओं के एलसीएम वह एच सी एफ का गुणा उन दोनों संख्याओं के, दोनों संख्याओं के गुणा के, गुणा के बराबर होता है। ये कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट क्या कह रहा है हमें, ये कंसेप्ट कह रहा है सर दो संख्याओं का, दो संख्याओं का एलसीएम जो भी निकलेगा या एचसीएफ जो भी निकलेगा, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो इक्वल किसके होगा, उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणा के इक्वल होगा। यही है, ये ए एक संख्या है, ये बी संख्या है, इनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इक्वल होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। देखो बेटा कैसे, एक एग्जांपल देखना, एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल देखो, 12, एक मिनट रुको, लिखो, दो संख्या, दो संख्याओं 12 और 15 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करो, ज्ञात करो यदि एचसीएफ 3 है। ये है कि नहीं, हमें ये दे दिया। अब हम एलसीएम, एक तो हमारे पास मेथड है ही, उससे ज्ञात कर सकते हैं, उससे ज्ञात कर सकते हैं, डिवीजन मेथड है कि नहीं सर, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक हमारे पास मेथड है जो हमने अभी एक रूल सीखा है कि 12 और 15 यानी दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के
गुणा के बराबर होता है, समझ पा रहे हो, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखो, हमें संख्याएं दे रखी है 12 × 15, एलसीएम हमें क्या करना है फाइंड करना है, एचसीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो जो हमें निकालना है वो होगा 12 × 15 तो है ही, ये 3 चला जाएगा इसके नीचे यानी बट्टा में आ जाएगा, देखिए बेटा, और हमारे पास आंसर आ जाता है 60 यानी 60, 60 इसका एलसीएम होगा। अब वो फॉर्मूला भी देख लीजिए, हमने कहा था दो संख्याओं का गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, चेक करके देख लो, 12 × 15 इक्वल होना चाहिए, एचसीएफ इसका था 3 और एलसीएम हमने निकाला है 60, निकाला है कि नहीं निकाला, सर निकाला है, देखो 15 × 2 30 होता है, 3 रह गया, 15 × 1 15 और 3 18 और 60 × 3 180, क्या यही कंसेप्ट लिखा था, देखो बेटा पिछले साइड पे चलते हैं, हमने लिखा था कि नहीं दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, और हम क्या निकाल रहे हैं ये देखिए, हमने निकाला कि 12 और 15 दो संख्याएं दे रखी है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है और एलसीएम हमने निकाला, और ये प्रूफ भी करके देख लिया कि इन दोनों संख्याओं का गुणा 180 आया है और इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी 180 आया है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखिए बेटा एक चीज़ और लिखिए, एक कंसेप्ट और एक फैक्ट और लिखिए, एक फैक्ट और लिखिए, और वो फैक्ट क्या है देखिए, फैक्ट है यदि यदि आपके पास दी गई संख्याओं में कोई भी एक संख्या प्राइम नंबर है या उन संख्याओं में कॉमन नहीं निकल रहा है तो उनका क्या होता है, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। देखिए बेटा संख्याओं में एक भी अभाज्य संख्या हो तो उनका HCF न निकले या कॉमन न हो तो HCF हमेशा 1 लेना है, समझ पा रहे हो, ये इस पे हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये ऐसे ही आपको नोटिस के लिए बता दिया मैंने, इस पे अभी पीछे करके आए थे, कोई भी कॉमन नहीं निकला और हमने एक इसका HCF ले लिया था, ठीक है। देखो बेटा स्लाइड पे चल लेते हैं, और जो कॉमन नहीं निकला था, देखो 2 5 4 का HCF निकाला था और ये प्राइम नंबर आ गया और इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकली थी, कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकला तो हमने क्या लिया था, 1 लिया था, समझ पा रहे हो। अब आगे चलिए, आगे देखिए, अब एक कंसेप्ट आता है हमारे पास और उस कंसेप्ट का नाम है को प्राइम यानी सह अभाज्य। सर ये क्या बला है, सर ये क्या है, देखिए सह अभाज्य का मतलब क्या है, अब आपको पता चल गया होगा अभाज्य का तो आपको पता है, सह अभाज्य का मतलब क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना निकले, कोई भी चीज कॉमन ना निकले। देखिए एक एग्जांपल देखिए, मैंने कहा 22 और 21, और मैंने कह दिया इसका आप बता दो मेरे को HCF, पूछ लिया। देखो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, सर 2 से जाएगा 11 बचेगा, 11 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसमें और किसी से नहीं जाएगा, और क्या होगा 11 से ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, सर जाएगा। अब देखिए अब आता है अपने पास 21, सर 2 से नहीं जाएगा, 21 में 2 का भाग नहीं जाता, सर 3 का, सर बिल्कुल जाएगा 7 पे, 7 खुद प्राइम नंबर है तो 7 से ही जाएगा और 1 आ जाएगा। देखिए बेटा इसमें कोई भी चीज़ कॉमन निकल रही है क्या, कोई भी कॉमन है क्या, सर कोई भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा, HCF होगा 1, समझ पा रहे हो, यानी को प्राइम नंबर वो है जो किसी एक नंबर से यानी सेम नंबर से कटते ही नहीं है। देखो अगर ये 22 2 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, अगर ये 11 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, अगर ये 3 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, अगर ये 7 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, यानी दोनों नंबर्स
सेम नंबर से नहीं कटते हैं, वही क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए बेटा, अब देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पर, एक एग्जाम्पल और देखिए। आपको मैं कहूँ, जैसे एग्जाम्पल है 7 और 9 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, दिख रहा है सर 7 प्राइम नंबर है और इसमें क्या है सर, इसके जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3 होगा और 3 × 3 इसमें नहीं है तो HCF क्या निकल रहा है सर, HCF 1 निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं, यदि लिखो बेटा, यदि ए और बी दो को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, तो उनका HCF हमेशा 1 होगा तथा LCM A × B होगा, यानी उन दोनों संख्याओं का गुणा होगा। समझ पा रहे हो, को प्राइम नंबर का मतलब होता है दोनों नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं हमारे पास दोनों, वो दोनों नंबर एक ही सेम संख्या से नहीं कटेंगे। देखिए 7 और 9 क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट दे, कोई ऐसा नंबर है कि सर नहीं है। तो इनका HCF तो हमेशा क्या लेना है बेटा, HCF तो हमेशा 1 लेंगे कि नहीं लेंगे। और बात आ रही है LCM की, और LCM कितना लेना है, तो LCM लेंगे सर हमेशा उन दोनों का गुणा। देखिए LCM में क्या करते हैं सर, कटघरे में लेते हैं 7 और 9 कटघरे में ले लिया, 2 से नहीं जा रहा, 3 से चेक कर लेते हैं जा रहा है सर, 3 आ गया, 3 से फिर भी जा रहा है सर, चेक कर लेते हैं, अब ना तो 5 से जा रहा है फिर आ रहा है, 7 दिख रहा है, 7 खुद प्राइम नंबर है, तो देखिए 3 × 3 × 7 क्या है, 3 × 3 × 7 यानी ये हो गया 63। क्या इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा भी 63 नहीं आता क्या, क्या मैंने लैंग्वेज लिखी है वो समझ में आ गई। देखो यानी को प्राइम नंबर जो भी होगा, को प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो एक संख्या से नहीं कटेंगे, यानी उनमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है सर। उनका HCF तो हमेशा क्या होगा, HCF तो हमेशा 1 होगा, और LCM क्या होगा, LCM होगा उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, क्लियर है। देखिए ये एग्जाम्पल लिया था 7 और 9 में, हमारे पास LCM निकल के आया सर 63, और इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा भी 63 होता है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे आपके LCM और HCF के जितने भी कंसेप्ट हैं सारे क्लियर हो चुके हैं। हाँ बची क्वेश्चन की बात भी हम कर लेंगे, अभी क्वेश्चन का एक डे निर्धारित कर लेते हैं, टेक्निकल टीम जब भी हमें एक दिन देगी और उस हिसाब से हम आपका पेपर सॉल्यूशन करा देंगे। अब आती है बात कि LCM और HCF के टॉपिक में हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट हैं और कैसे कैसे हैं, इन कॉन्सेप्टों पे हम बात करें तो हमने क्या किया था, पहले LCM और HCF देखा था, सीधा LCM और HCF देख लिया था, नंबर्स के जो बेसिक नंबर हमारे पास हैं उनके LCM और HCF निकाले थे। उसके बाद में हमने देखा फ्रैक्शन के यानी भिन्न का LCM और HCF देखा, फिर हमने एक रूल देखा दो संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है, फिर हमने देखा कि हमारे पास अगर को प्राइम नंबर हो तो उनका LCM और HCF कैसे निकलता है। ये 5-6 कंसेप्ट हमने पढ़े हैं बेटा और जो आपके लिए सफिशियंट है, एकदम आपके एग्जाम के अनुरूप है, ना तो ज़्यादा हाई लेवल पे गए हैं ना ही ज़्यादा नॉर्मल पढ़ा है, हमने मीडियम अपने हिसाब से पढ़ा है और आपके लिए जो उपयुक्त रहता है वो हमने किया है। बात रही प्रैक्टिस सेट की, प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और आपको करना क्या है, इन कंसेप्टों को एकदम ध्यान से करना है और आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसमें क्वेश्चन होंगे, तो उस क्वेश्चन को आप घर पर 10-10, 15-15 क्वेश्चन आप सॉल्यूशन पर डालिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।